Everyone, welcome to Dr. Gunjan's classes. Myself, Dr. Gunjan Goyal, and today hum lekar aaye hain hamari jo video hai on a anti-COVID drug, jo recently DRDO ke chairman Mr. Reddy ne abhi launch ki hai. ठीक है, तो जो हमारी ये drug है, इसका नाम है 2-deoxy-D-glucose. So, 2-deoxy-D-glucose, जिसको एक शॉर्ट फॉर्म 2-DG के नाम से इसको लॉन्च किया गया है. इट्स एंटी कोविड ड्रग जो कि इसको एक पाउडर फॉर्म में, एक सेशे की फॉर्म में लॉन्च किया गया है. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं कि ये एक्चुअल में है क्या. व्हाट इज दिस 2-DG? ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी और इट इज सम न्यू डिस्कवरी ऑफ दिस ड्रग. सो वी आर गोइंग टू वॉच दिस अंडर दिस वीडियो. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो. तो सबसे पहले आपको ड्रग के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि जो ड्रग की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, उसके कुछ स्टेप्स रहते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने ड्रग बना दी तो आपका ड्रग बनाने का काम कंप्लीट हो गया. नो, इट हैज टू बी फॉलो, इट हैज टू फॉलो सम पर्टिकुलर स्टेप्स एंड दैट टू बी इन अ सिस्टमैटिक वे. ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं ड्रग डेवलपमेंट के. हम इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को कवर करने वाले हैं. सो जो इसका पहला स्टेप आता है, दैट इज डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट. दैट वन हैज टू डिस्कवर कि क्या हम करने वाले हैं और उसकी डेवलपमेंट करी. ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर कुछ क्लिनिकल रिसर्च की जाती है, पहले से प्री क्लिनिकल रिसर्च की जाती है. देन उसकी क्लिनिकल डेवलपमेंट की जाती है, उसको फेस ट्रायल्स में किया जाता है, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म किए जाते हैं. देन हमारी जो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी हमारी उसके ऊपर लाइक अप्रूवल मिलता है. देन उसकी पोस्ट मार्केटिंग होती है और उस मार्केटिंग को मॉनिटर भी किया जाता है. सो ये सारी स्टेप्स ड्रग की डेवलपमेंट को इंक्लूड करते हैं. तो आज हम बात कर रहे हैं हमारी 2-deoxy-D-glucose के बारे में. तो अगर हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं. ये एक एंटी कोविड ड्रग है, जिसको एंटी ट्यूमर ड्रग भी बोला जाता है. ठीक है, और इसको डेवलप किया है इनमास, एक DRDO लैब है विद डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद में. ठीक है, तो ये इन्होंने मिलकर इसको बनाया है. ये इसको DCGI का अप्रूवल मिल गया है. ये ड्रग एक एडजंक्ट थेरेपी है. एडजंक्ट थेरेपी क्या होता है, हम ये इस वीडियो में जानेंगे. ये एक जेनरिक ड्रग है. जेनरिक वर्ड आप सब लोगों ने सुना होगा. सो जेनरिक ड्रग है ये. जेनरिक ड्रग का मतलब होता है ये एक आम ड्रग, जैसे कि जो ऑलरेडी अवेलेबल ड्रग्स होती हैं, ये उनके जैसी ही काम करने वाली ड्रग होती है, बट ये अ बिट लाइक ऑन द चीपर साइड रहती है, नॉट ऑन एक्सपेंसिव साइड. तो इसका जो इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो इसका ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो तो सारा का सारा सेम ही रहता है. ठीक है, और इसका अगर हम लोग इम्पोर्टेंस देखें कि इस ड्रग का जो इम्पैक्ट आया है कि इसने हॉस्पिटलाइज जो COVID-19 पेशेंट्स थे, ठीक है, उनकी ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की, जो ऑक्सीजन उनको रिक्वायर्ड पड़ रही थी, जो मॉडरेट टू सिवियर कंडीशंस में COVID-19 के पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनको आउटसाइड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के थ्रू. तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कम करने में, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट को कम किया है कि आउटसाइड रिक्वायरमेंट उनको ना पड़े पेशेंट को. सो इस ड्रग ने इस चीज के पॉजिटिव जो रिजल्ट्स दिए हैं, ठीक है, ऐसा DRDO का मानना है. ठीक है, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इसकी डिस्कवरी और डेवलपमेंट से. ठीक है, तो जो इसकी डिस्कवरी मैंने आपको बताया कि ये एक इनमास लैब है. इनमास यानी कि ये एक DRDO की एक लैब है. DRDO हमारी डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, ये हमारी इंडिया की डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. इसकी एक लैब है, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज इंस्टीट्यूट.
ये हमारा हैदराबाद में है ये इंस्टीट्यूट. इन्होंने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ मिलकर हैदराबाद में इस जो एंटी कोविड ड्रग है हमारी 2DG, इसको इन्होंने डेवलप किया है. ठीक है, इन्होंने कुछ इसके अर्लियर एक्सपेरिमेंट सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद में इस इंस्टीट्यूट में इन्होंने इसके कुछ अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर भी किए थे हमारे जो रिसर्चर्स. देन जो क्लिनिकल ट्रायल्स इस ड्रग के शो किए गए हैं कि जो COVID-19 पेशेंट्स हैं जो मॉडरेट टू सिवियर कंडीशंस में एडमिट हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनकी रिकवरी जो है वो फास्टर हुई है. ठीक है, और उनकी जो जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करने में, उसको कम करने में बेसिकली इस ड्रग ने काफी पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो शो किया. ठीक है, तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसी ड्रग है जो हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो जिसके कारण ऑक्सीजन जो कोविड पेशेंट्स थे जो जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी आउटसाइड से, उसको इसने रिड्यूस किया है. ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है प्रेजेंट सिनेरियो के टाइम के हिसाब से. तो अगर हम अब हम देख लेते हैं कि इस ड्रग को बनाया कैसे गया, हाउ दिस 2DG इज डेवलप्ड एज एन एंटी कोविड ड्रग. तो सबसे पहले कुछ प्री क्लिनिकल रिसर्च किए गए. सो फेज वन में प्री क्लिनिकल रिसर्च हमारी अप्रैल टू मई 2020 में की गई. तो फर्स्ट वेव ऑफ पेंडेमिक, जब हमारा COVID-19 का फर्स्ट वेव आया था हमारे पास, उस टाइम पे जो DRDO कि जो इनमास लैब है, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए विद द हेल्प ऑफ CCMB इंस्टीट्यूट की हेल्प से. इन्होंने हैदराबाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए. इन्होंने कहा क्या किया कि जो SARS-CoV-2 वायरस है, SARS-CoV-2 वायरस जो हमारा है बेसिकली, ये इसके ऊपर इस मॉलिक्यूल का जो हमारा जो ड्रग है, इस मॉलिक्यूल का काम इन्होंने इस वायरस के अगेंस्ट किया. और व्हाट दे हैव फाउंड कि इसकी जो वायरल ग्रोथ है वो इनहिबिट हो गई. तो इस रिजल्ट को देखते हुए जो हमारी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज DCGI और सेंट्रल ड्रग सेंट्रल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज CDSCO, इन्होंने इसको फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन दे दी इन मई 2020. ठीक है, तो जब इसका पॉजिटिव रिजल्ट SARS-CoV-2 वायरस के अगेंस्ट आया तो इनको फेज 2 ट्रायल की परमिशन मिल गई. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि फेज 2 ट्रायल में इन्होंने क्या किया. तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 आ जाता है क्लिनिकल डेवलपमेंट. तो फेज 2 ट्रायल जो हमारा हुआ वो मई टू अक्टूबर 2020 में हुआ. तो आपको पता होना चाहिए कि फेज 2 ट्रायल जब होता है वो मोर देन 100, ठीक है, 100 पेशेंट्स, 100 एटलीस्ट पर्संस होने चाहिए जिनके ऊपर ये फेज 2 ट्रायल किया जाता है. ठीक है, तो जब ये इन्होंने फेज 2 ट्रायल कंडक्ट करने स्टार्ट करे मई से अक्टूबर 2020, तो इन्होंने क्या पाया, व्हाट दे हैव फाउंड कि ये जो ड्रग है हमारी COVID-19 पेशेंट्स में सेफ, इट इज फाउंड टू बी सेफ पाई गई है. और जो उनकी रिकवरी थी उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है. सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जो मॉडरेट टू लाइक जो ज्यादा इम्पैक्ट भी हो रखे थे उनकी रिकवरी फास्ट हो गई. ऐसा नहीं है कि वो ठीक होके आ गए हैं, ये ड्रग ली और आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं हो रहा है. बट हाँ, आपकी जो बॉडी है उसका रिस्पॉन्स फास्ट हो रहा है, आपकी बॉडी में जो रिकवरी रेट है उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जा रही है. ठीक है, आप जो आप पहले अगर आप 10 डेज में ठीक हो रहे थे तो अब आप लाइक 7 डेज में ठीक हो रहे हैं. सो दिस इज व्हाट दे वांट टू से कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिली है. देन इन्होंने जो फेज 2 था उसको दो पार्ट्स में किया, फेज 2 ए में डिवाइड किया और फेज 2 बी में. जो फेज 2 ए था वो 6 हॉस्पिटल्स में उन्होंने कंडक्ट किया और फेज 2 बी 11 हॉस्पिटल्स में कंडक्ट किया गया इसका ट्रायल ऑल ओवर इंडिया. और फेज 2 ट्रायल जो ओवरऑल कितने पेशेंट्स पे देखा गया, 110 पेशेंट्स पे. तो इन्होंने फेज 2 ट्रायल 110 पेशेंट्स पे देखा और इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले. उसके बाद ये इन्होंने फेज 3 ट्रायल किया. फेज 3 ट्रायल में DCGI ने सक्सेसफुल रिजल्ट्स की परमिशन देखी जब पहले वाले, तो इन्होंने फेज 3 ट्रायल की भी परमिशन इनको दी. तो फेज 3 ट्रायल
फेस थ्री ट्रायल बेसिकली 220 पेशेंट्स पे किया गया दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच में, और ये 27 कोविड हॉस्पिटल्स में परफॉर्म किया गया, जो हॉस्पिटल्स डिफरेंट स्टेट्स में थे इंडिया के, जैसे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तेलंगाना। तो ये सारे के सारे स्टेट्स में जो 27 कोविड हॉस्पिटल्स थे वहां पे 220 पेशेंट्स के ऊपर फेज थ्री का क्लिनिकल ट्रायल किया गया और उसकी डिटेल्स इन्होंने डीसीजीआई को प्रेजेंट की। तो डीसीजीआई ने क्या पाया कि सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हो रही है जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स है, सिम्टोमेटिक जिनमें सिम्टम्स शो हो रहे थे, जिन पेशेंट्स में कोविड के सिम्टम्स शो हो रहे थे, जिनको बॉडी की रिकवरी को फास्ट किया गया, इसने बहुत स्पीडन अप कर दिया गया उनकी रिकवरी को, और उनकी जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिपेंडेंसी थी, जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, उनसे उनकी रिक्वायरमेंट उनको बिल्कुल नहीं पड़ी, और जो 42% वर्सेस 31% डे थ्री तक उनको 42%, ये बहुत अच्छा डेटा है, बहुत हायर साइड पे इसका डेटा आया है कि ऑक्सीजन की जो डिपेंडेंसी है वो काफी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है जो वो काफी हद तक फ्री और रिड्यूस कर दी गई इन कोविड 19 पेशेंट्स। तो ये काफी अच्छे रिजल्ट्स आए इसके। तो मई 2021 में सिमिलर ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया जो पेशेंट 65 ईयर से ऊपर के थे, तो 65 ईयर्स के ऊपर के पेशेंट्स के भी ऊपर सिमिलर ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया, और डीसीजीआई ने इस ड्रग की परमिशन दे दी कि ये इमरजेंसी यूज, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी मतलब अपनी मर्जी से यू स्टार्ट टेकिंग दिस ड्रग, नो दिस इज नॉट व्हाट दे हैव सेड, दे सेड कि ये सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए ही है, बिकॉज इट्स एन एडजंक्ट थेरेपी। एडजंक्ट थेरेपी का मतलब है कि ये थेरेपी जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट्स चल रही हैं उनके साथ ये थेरेपी परफॉर्म की जाएगी, आपके जो फिजिशियंस हैं, आपके जो डॉक्टर्स हैं, वो ये आपको अंडर देयर रिकमेंडेशंस यू कैन टेक दिस ड्रग ऑन इमरजेंसी यूज ओनली, ठीक है, एंड दैट टू इन मॉडरेट टू सिवियर कोविड 19 पेशेंट्स, ठीक है। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट डिक्लेयर की कि DCGI ग्रांट परमिशन फॉर इमरजेंसी यूज ऑफ दिस ड्रग एज एडजंक्ट थेरेपी इन मॉडरेट टू सिवियर कोविड 19 पेशेंट्स, और ये एक जेनरिक मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज का बना हुआ है, ग्लूकोज का एनालॉग है बेसिकली। अब हम इस बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, कि बेसिकली ग्लूकोज का एक एनालॉग है, तो इजिली ये प्रोड्यूस हो सकता है और बहुत ही प्लेंटी में अवेलेबल हो जाएगा हमारी कंट्री के लिए, ऐसा DRDO का मानना है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि बेसिकली ये व्हाट इज 2DG, ये होता क्या है। तो आपको पता है जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारी बॉडी को चाहिए, दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। ग्लूकोज होता किस चीज में है, जो भी हम खाते हैं, लाइक ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स, ऑल द थिंग्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, जो भी चीजें हम खाते हैं वो हमें ग्लूकोज का काम करती है हमारी बॉडी में, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली ये डी ग्लूकोज, एक नॉर्मल ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में मिलता है, हमें खाने से मिलता है, ठीक है। तो डी मीन्स डेक्सट्रो, दैट ओनली डिफाइंस द डेक्सट्रोज, सो डी ग्लूकोज। तो अगर आप देखें, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, सो ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, सो यहाँ पे अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें, सो इट्स अ 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल। तो ये जो है ये सेकंड पोजीशन है, ठीक है, ये सेकंड पोजीशन। और सिमिलरली अगर आप 2DG की बात करें, तो इट्स अ 2-deoxy-D-glucose, तो इसमें भी अगर आप बात करें तो दिस इज सेकंड पोजीशन। अगर आप देखेंगे, आप इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को अगर कंपेयर करेंगे, एवरीथिंग इज सेम विद द दिस 2DG इज सिमिलर टू 2D glucose एक्सेप्ट एट वन पोजीशन, दैट इज पोजीशन नंबर 2। So, पोजीशन नंबर 2 पे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको OH लगा मिलेगा, जबकि यहाँ पे HH है। तो जो ये ऑक्सीजन यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज डी ऑक्सी माइनस ऑक्सीजन, सो सेकेंड पोजिशन पे ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन एटम यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, सो मिसिंग है, दिस इज ऑक्सीजन इज मिसिंग।
सो दिस डिफाइंस दी 2-deoxy-D-glucose. ठीक है, तो ये सिमिलर हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की तरह ही है. अगर आप इसको हमारी बॉडी में अगर आप समझें, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम बता रहे हैं कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. यहाँ सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है ग्लूकोज में, जबकि 2-deoxy-glucose में यहाँ पे मिसिंग ऑक्सीजन ग्रुप नहीं. तो जो हमारा ग्लूकोज है, तो ये अगर आप सेकंड डायग्राम में यहाँ पे देखें, तो ये डबल मेम्ब्रेन लेयर हमने दिखाई गई है. तो ये एक सेल है, बेसिकली एक ये सेल है. तो सेल में ग्लूकोज ने एंटर होना है. सेल में ग्लूकोज एंटर होता है, तो ये कुछ प्रोसेसेस होते हैं ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है फर्दर हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के. ठीक है, तो जब ग्लूकोज एंटर होता है, तो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प से एंटर होता है, जिसको हम ग्लूट्स बोल रहे हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लूट्स लिखा हुआ है, दिस इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स. तो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प से सेल के अंदर एंटर हो जाता है. जब ये एंटर हो जाता है, तो ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज. तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो फर्दर आगे इसकी कन्वर्जन हो जाती है फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज के साथ, ये लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन फर्दर इसकी प्रोसेसिंग होती रहती है. ठीक है, फर्दर बॉडी में इसका यूज हमें मिलता रहता है, ब्रेक डाउन होके ये एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो ये तो था हमारा ग्लूकोज का एंट्री इन द सेल. पर अब जो ये हमारी ड्रग है 2-DG, हम बात करें 2-DG की, 2-D-deoxy-D-glucose, तो ये जो है ये भी हमारी सेल के अंदर जब एंटर करती है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स से, ये भी सेल के अंदर एंटर कर जाएगी. जब ये सेल के अंदर एंटर करेगी, ये भी हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से 2-deoxy-glucose 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. पर जब ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसकी इनहिबिशन हो जाएगी. आप ये भी क्रॉस देख सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद ये एक इनहिबिटर का काम करेगा कि फर्दर कन्वर्जन नहीं होगी. फर्दर कन्वर्जन नहीं होगी, तो ये जो 2-deoxy जो हमारा ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, ये इनहिबिटर का काम करेगा. और जो हमारी ये जो सेल, जो ये हमारे सेल्स होते हैं, इन्फेक्टेड सेल्स यानी कि वायरल सेल्स, ये हमारा एंटी कैंसर डिजीज में भी ऐसा ही होता है. जो एंटी कैंसरस सेल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, या जो भी डिजीज्ड सेल्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प से ये ग्लूकोज को अपने अंदर खींच लेते हैं. ठीक है, तो उसको मिमिक करेगा हमारा, बेसिकली ये इस ग्लूकोज को हमारा ये वाला जो ड्रग है, ये मिमिक करेगी. वायरल सेल्स जो है, जब इसको लेंगे अंदर अपने अंदर, और ये आगे एक स्टेप करेगा, ये सिर्फ इस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, उसके आगे इसकी इनहिबिशन हो जाएगी, इनहिबिटर का काम करने लग जाएगा. जब ये आगे इनहिबिटर का काम करने लग जाएगा, तो जो हमारा ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, ये स्टॉप डाउन हो जाएगा, एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाएगी, सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, सेल एनर्जी नहीं मिलेगी, तो सेल की जो है वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा, सेल मेच्योर नहीं हो पाएगा. ठीक है, जिसके कारण सेल अल्टीमेटली डाई हो जाएगी. तो हमारी ये ड्रग क्या काम कर रही है, ये इस ग्लूकोज को मिमिक कर रही है एज इन 2-DG, और ये आगे इनहिबिटर का काम कर रही है, और एनर्जी को सेल को एनर्जी मिलने से रोक रही है, जिसके कारण सेल की डिविजन नहीं हो पाएगी फर्दर. ठीक है, इन्फेक्टेड सेल्स की डिविजन नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे काम करने वाला है. तो बट ये सारी बॉडी में काम करेगा, एक्सेप्ट इट विल नॉट टारगेट 2 cells, दैट इज किडनी और लीवर सेल्स को ये टारगेट नहीं करेगा. ठीक है, वहां पे ये काम नहीं करता. तो अगर हम लोग DRDO के जो रिजल्ट्स उन्होंने दिखाए हैं, अगर इन डायग्राम्स को देखें, तो जो ये SARS-CoV-2 का इन्फेक्शन था, जब इसको 2-DG जो दी गई, तो आप देख सकते हैं कि ये वायरस जो है इस पर्टिकुलर डायग्राम में, यहाँ पे ये दो पेट्री डिशेज हैं, यहाँ पे आपको ये स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये इन्फेक्शन है. पर जब इन इन्फेक्शन के ऊपर ड्रग दे दी गई, तो आप देख सकते हैं कि जो इन्फेक्शन है, किस तरह से वो खत्म होता नजर आ रहा है. ठीक है, बेसिकली.
और इस पर्टिकुलर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू ये बहुत सुंदर पिक्चर्स ली हैं। ये डाइंग सेल्स हैं, जब इसके ऊपर 2DG की ट्रीटमेंट दी गई तो किस तरह से ये रेड कलर के जो सेल्स हैं वो डाई कर गए और जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं वो ठीक हो गए, ठीक है, और जिसके कारण पेशेंट जल्दी रिकवर कर पा रहे हैं। सो ये उनका डेटा है जो DRDO ने हमें प्रेजेंट किया है इस पर्टिकुलर ड्रग के थ्रू। तो अब आ जाती है बात अप्रूवल की। तो अप्रूवल जो है हमारा DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया है एज एन एंटी कोविड ओरल ड्रग, ठीक है, एंटी कोविड ओरल ड्रग, और उन्होंने बोला है कि ये इमरजेंसी यूज के लिए है एज एन एडजंक्ट थेरेपी, यानी कि जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट्स चल रही हैं उसके साथ इस थेरेपी को यूज किया जाएगा इन मॉडरेट टू सिवियर कोरोना वायरस पेशेंट्स, ठीक है, और ये एक सैशे की फॉर्म में आएगा, एक पाउडर फॉर्म में। ये सैशे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये इस सैशे की फॉर्म में आएगा जिसको ओरली आप लोग ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाय डिसॉल्विंग इट इन वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर डिसॉल्व करके इसको आप ओरली ले सकते हैं। देन इन्होंने बोला है कि जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं उनकी फास्टर रिकवरी हो रही है और उनकी ऑक्सीजन डिपेंडेंसी जो है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है जो वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है। अगर आप इसकी सिग्निफिकेंस देख लें तो सिग्निफिकेंस में वही बात, ये सेशे की फॉर्म में आ रहा है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में एक्यूमुलेट कर जाता है और उनकी फर्दर ग्रोथ को स्टॉप करता है और उनको एनर्जी प्रोडक्शन को प्रिवेंट करता है, उनको एनर्जी नहीं मिलती तो उनकी ग्रोथ अपने आप रुक जाती है। और सिलेक्टिव एक्यूमुलेशन है इसकी वायरल इन्फेक्टेड सेल्स में जिसके कारण ये ड्रग यूनिक है। बेसिकली जो भी ये इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं ग्लूकोज को, तो ये ग्लूकोज को मिमिक कर रहा है बेसिकली 2DG। I'm sorry. So, जो प्रेजेंट सिनेरियो हमारा चल रहा है जहाँ पे सिवियर ऑक्सीजन डिपेंडेंसी हो रही है हमारी ऑक्सीजन सिलेंडर्स के ऊपर और हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है पेशेंट्स को, ये ड्रग बहुत इफेक्टिव साबित होने वाली है बिकॉज इट इज गोइंग टू सेव लॉट्स ऑफ लाइफ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इट विल नॉट हैव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बॉडी एंड इट वर्क्स लाइक इन अ वेरी पॉजिटिव वे एंड इट सेव्स वेरी प्रीशियस लाइफ बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रीशियस, ठीक है, लाइफ इज वेरी प्रीशियस, वी ऑल नो दैट। सो जो भी हमारे इन्फेक्टेड सेल्स हैं ड्रग के उसके मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशन में ये एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आए, ठीक है, ला रही है, इट्स एक्सपेक्टेड। So this reduces the hospital stay of COVID-19 patients. तो ये COVID-19 patients का hospital stay को reduce कर रही है और patients जल्दी से recover होके अपने घर वापस आ रहे हैं healthy and safe. Okay. So अगर हम last step जो देख रहे हैं हम market monitoring. So market monitoring में क्या आ रहा है कि जो इसकी manufacturing और availability रहेगी वो first week of June से regular production इसकी start कर दी जाएगी. So DRDO chairman जो हैं ये हमारे जी सतीश रेड्डी, इन्होंने बोला है कि इट विल बी अवेलेबल टू एवरीवन एवरीवेयर, सॉरी, इट विल बी अवेलेबल एवरीवन एवरीवेयर एंड दे हैव सबमिटेड द फर्स्ट बैच ऑफ एंटी कोविड ओरल ड्रग VG और सेकेंड बैच जो है इसका 27 मई में, इट्स अराउंड 27 मई इट विल बी दे विल be launching its second batch in a limited quantity. So it's going to be available to everyone everywhere according to Mr. G. Satish Reddy. So let's hope for the best that this drug serves some purpose, some good purpose in COVID patients' lives. So this is all about this drug. So thank you so much. And if you like this video, kindly press the like button and share this with everyone so everybody will get the information about this video, about this drug, NB COVID drug. So, and if you are new to this channel, then please subscribe this channel by pressing the bell icon. Okay, thank you. Bye-bye. See you tomorrow with a new video. And till then, take care and have a good life. Bye-bye.